हमारे साथ मानवाधिकार एसोसिएशन के श्री एसपी रावत जी हैं। एसपी रावत जी कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इनका विशेष जो स्पेशलाइजेशन होता है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर है और इन्होंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। आप रावत जी, आप बताएं मानव अधिकार के बारे में, मानव अधिकार आखिर है क्या? माननीय महोदय, मैं आपके सवाल के उपलक्ष्य में बताना चाहूँगा कि ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जिसमें आदिकाल से ही कमज़ोर और वीकर सेक्शन का शोषण होता आया है, उसका संरक्षण कहीं नहीं मिल पाया। इस आधार पर पूरे विश्व में ये विचार किया गया कि ये मानवता जो है इस तरह से विनाश हो जाएगी, इसके संरक्षण और उसके हर उपाय के लिए कोई तैयारी की जाए। तो अनेक देशों ने इस पर विचार किया और विचार करने के पश्चात ये पाया गया कि जब तक पूरे विश्व के कंट्रीज इस पर एक साथ एकजुट नहीं होंगे तब तक मानवता का विकास नहीं किया जा सकता और उनके ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। इस आधार पर हमारे पूरे विश्व की जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने ये विचार किया कि जब तक हम कोई कंक्रीट नियम, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स नहीं बनाएंगे तब तक हम किसी देश को उपदेश नहीं दे सकते, किसी देश को जो है गाइड नहीं कर सकते। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ ने इतने ह्यूमन राइट्स नियम बनाए और उनके आधार पर ये हर कंट्रीज को अनुरोध किया गया कि वो अपने अपने कंट्रीज में इन नियमों को लागू करें जिससे मनुष्यों के राइट्स को संरक्षित किया जा सके, उनको शोषण को रोका जा सके। इसी आधार पर शोषण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो उपदेश का जारी की उसी आधार पर हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, भारत का संविधान तैयार किया गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 25 तक ह्यूमन राइट्स के विषय में ही सारा कुछ बताया गया है। इसमें सबसे बड़ी चीज हमारे देश की विडंबना है, यहाँ पर ज्यादातर अनटचेबिलिटी, वीकर सेक्शन, पावर्टी आदि बातों को लेकर के शोषण होता रहता है। यहाँ का जो इलाइट क्लास है वो अपने को ह्यूमन से ऊपर उठ के मानता है और नीचे वीकर सेक्शन और अनटचेबिलिटी के लोगों को टॉर्चर कहता रहता है और उसके आधार पर उसके अधिकारों का शोषण कर रहता है, बेगार भुगतवाता है, उसका पेमेंट नहीं देता है। यहाँ के छोटे छोटे ढाबों में जो कार्य चल रहा है वहाँ पर कार्य करने वालों को उनकी मजदूरी नहीं दी जाती है और के काश्तकार, बड़े बड़े काश्तकार किसान खेती में काम कराते हैं, वहाँ के मजदूरों को उनका पैसा नहीं मिलता है, इस आधार पर उनका शोषण होता रहता है। इसके अतिरिक्त इस भारत की सबसे बड़ी विडंबना है, यहाँ पर औरतों को, महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है और उसमें धार्मिक आधार आने जाता है। धर्म के आधार पर यहाँ किसी भी समाज की महिला हो उसका शोषण किया जाता है। अभी जैसा कि अभी सबरीमाला का मंदिर का मामला चल रहा है, महिलाएं जबकि माँ, बहन, बेटी होती हैं फिर भी उस मंदिर में उनके प्रवेश पर जो है प्रतिबंध लगा हुआ है। इस प्रकार से देश के अनेक मंदिरों में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। समाज में अनेक प्रकार की विडंबनाएं फैली हैं कि महिलाओं का शोषण होता रहता है, उनके साथ दुराचार, अनाचार, व्यभिचार सभी कुछ होता है, वहां धर्म नहीं प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहां धर्म में वो प्रवेश करना चाहती हैं वहां वो धर्म के आड़े आ जाती हैं। इन बातों को लेकर के महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाए और वोट का पूरा राइट हो और महिलाएं इस देश में पूरी बराबर की भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सके। हमारे देश के अंदर बालकों का शोषण होता रहता है, बालकों का ये अधिकार रखा गया है कि निश्चित एज के बाद ही उनका कार्य लेबर का किया जाए, अन्यथा वो आपराधिक दंड होगा। और इसी आधार पर शिक्षा के स्तर पर, शिक्षा के लिए ये भी पाया गया कि वंचित रखा जाता है, समाज में वीकर सेक्शन,
कमजोर वर्ग अनडिसेबल पर्संस इनको शिक्षा से दूर रखा गया ताकि इनको कोई ज्ञान ना हो और उसी लिए उनका शोषण किया जा सके। लेकिन भारतीय संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि हर वर्ग हर समुदाय का आदमी शिक्षा ग्रहण करे जिससे उसको इस बात का ज्ञान हो और राष्ट्रीयता का आभास हो, तभी जाकर के वो इस देश के अंदर अपनी भूमिका निभा पाएगा और देश में एक कर्णधार के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकार से हमारा ये मानवाधिकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम समाज में घूम घूम कर और समाज के हर वर्ग को इस बात का ज्ञान कराएंगे कि मानवाधिकार क्या हैं, उसके ह्यूमन राइट्स क्या हैं, समाज में और देश के प्रति उसके कर्तव्य क्या हैं, वो बढ़ चढ़ करके इसका हिस्सा ले, अपने देश के हर कार्य के ऊपर अपना ये कार्य करे और देश के नागरिकों को ये चेतावनी दे और ये ज्ञान दे कि मानवाधिकार के ऊपर चल करके ही अपना और दूसरे का भला किया जा सकता है। इस उद्देश्य से लेकर के हमारे इस भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के माननीय प्रदेश कोऑर्डिनेटर माननीय श्री गिरीश अवस्थी जी इसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उद्यत रहते हैं और उनकी पूरी टीम इस बात के लिए तैयार रहती है कहीं भी प्रदेश स्तर पर हमारे समाज का, हमारे समाज के लोगों का, समाज के समुदाय के लोगों का किसी प्रकार का शोषण होता है, हम उसमें हर तरफ मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे वो तलाक का मामला हो, डाइवोर्स का मामला हो, शोषण का मामला हो या पुलिस थाने आदि का मामला हो, हमारा मानवाधिकार एसोसिएशन बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका अदा करता है और लोगों के हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार रहता है कि किसी प्रकार का शोषण किसी का ना किया जा सके। इस संबंध में हमारा ये मानवाधिकार प्रतिवर्ष एक वार्षिक अधिवेशन करता है। हर वर्ष की भांति इस बार भी गांधी भवन में इसका आयोजन किया जाएगा। 10 दिसंबर इसका एक तिथि निश्चित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को इस बात पे पूरे विश्व को संदेश दिया गया कि हम मानवाधिकार के लिए एक तिथि निश्चित करें जो पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाए। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर निश्चित किया है कि पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मानवाधिकार का जागरूकता दिवस मनाया जाए और हर व्यक्ति को इसको आभास कराया जाए, इसका ज्ञान दिया जाए कि आप अपने अधिकारों को पहचानें कि आपके अधिकार क्या हैं और आप कैसे देश में और विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए, सभी को पूरा अधिकार दिलाने के लिए और पूरे विश्व में मानवता को बचाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, इसमें आपकी भूमिका बहुत ही अहम मानी जाएगी। इसी आधार पर प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ये एक दिवस मनाया जाता है और हर देश में, केवल भारत में ही नहीं, प्रत्येक देश में विश्व के ये दिन मनाया जाता है और वहाँ के नियमों के आधार पर वहाँ भी यही कार्य किया जाता है कि जो शोषण महिलाओं का, पुरुषों का, वीकर सेक्शन का, गरीब लोगों का किया जाता है, उनको बचाया जाए और उनके जीवन को एक नया जीवन दान दिया जाए, उनको बताया जाए मानवता क्या होती है। इसके अतिरिक्त शोषण करने वालों को भी ये बताया जाता है कि इन नियमों के तहत अपराधी के लिए दंड संहिताएं क्या हैं, उसमें क्या दंड दिया जा सकता है। अगर वो इसमें नहीं सचेत होते हैं तो फिर वो कारगर कदम उठाना पड़ेगा और मानवाधिकार इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और पुलिस की सहायता भी लेनी पड़ जाए और कोर्ट की सहायता लेनी पड़ जाए तो मानवाधिकार उसमें बढ़ चढ़ करके अपना भूमिका अदा करेगा। तो इसी उद्देश्य से हमारा एक कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए पूरे प्रदेश से हमारी जिला समितियाँ, जिला कमेटियाँ, जिला इकाइयाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और बढ़ चढ़ के लोग यहाँ आते हैं और इसमें अपना रोल अदा करते हैं। जो हमारे जिला लेवल के पदाधिकारी हैं वो अपनी पूरी बात बताते हैं कहाँ पर क्या होता है और उसी आधार पर हमारे प्रदेश के लोगों को ये बताने का प्रयास किया जाता है कि हमारी प्रदेश की टीम जाकर के उनको मदद करती है, हर बार यही किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, मानवाधिकार में ये भी चीज़ है, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, बाढ़ है, सूखा है, आग से नुकसान है, मानवाधिकार इसमें भी अपना पूरा रोल अदा करता है उनको बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त हम गरीबों, बेसहारा लोगों तथा विकलांग लोगों की सहायता के लिए भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और उनको बचाव पक्ष के लिए उनकी मदद करते हैं। यही कार्य मानवाधिकार करता रहता है और हर वर्ष ये कार्य किया जाएगा। ये हमारा मानवाधिकार कटिबद्ध है और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के आधार पर प्रदेश इकाइयाँ और देश की इकाइयाँ भी कार्य करती रहती हैं। इसके अलावा
प्रदेश में चेतावनी के स्वरूप में और ज्ञान के स्वरूप में यहाँ से एक भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है प्रतिमा, उसमें अनेक प्रकार नियम प्रकाशित किए जाते हैं ताकि लोगों को इसका पूरा ज्ञान हो सके और उस आधार पर अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपनी यूनिट इकाई पर लोगों को इसका ज्ञान दें और लोगों को बताएं कि कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, और यही हमारा मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने बताया है कि समाज के दबे कुचले वर्ग को आप लोग स्ट्रीम लाइन में लाते हैं और उसको न्याय दिलाते हैं, तो कृपया आप मुझे बताएं कि उन दबे कुचले वर्ग को चिन्हित कैसे आप करते हैं। जैसे किसी एक कॉलोनी के अंदर स्लम एरिया है, वहां पर उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको आप चिन्हित कैसे करते हैं और उसको कैसे आप न्याय दिलाते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। चाहे वो कॉलोनी हो या शहर का कोई हिस्सा हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जब वहाँ का जिस पर इस प्रकार के अत्याचार होते हैं, इस प्रकार का अनेक प्रकार के कष्ट उस पर होते हैं, वो स्वयं आकर के हमें बताता है कि हमारे साथ ऐसा टॉर्चरमेंट हो रहा है, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है और ये फला व्यक्त कर रहा है, तो हमारा मानवाधिकार प्रमाण स्वरूप उसे एक लिखित प्रार्थना पत्र लेता है। जब तक हम लिखित प्रार्थना पत्र नहीं लेंगे, तब तक हम कन्फर्म नहीं हो पाते कि इसी के साथ अत्याचार हो रहा है। जब उसका एक प्रार्थना पत्र हमें प्रमाण स्वरूप मिल जाएगा, तो उसकी उस प्रकृति को समझते हैं किस प्रकार से इस पर टॉर्चर होता है। उस आधार पर हम वहाँ की पंचायत, वहाँ के क्षेत्र वार्डन या इसके अलावा वहाँ का लोकल थाना, उससे हम संपर्क कर करके उसकी बातों का निराकरण कराने का प्रयास करते हैं। यदि कहीं इससे ऊपर स्तर का मामला है, तो हम कानूनी दायरे में ला करके उसको अच्छे वकील के माध्यम से कोर्ट के जरिए उसको हम मदद पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या उसके साथ कष्ट है और क्या उसको टॉर्चर किया जा रहा है, किस प्रकार से उसको सताया जा रहा है, ये चीज उसके प्रार्थना पत्र में स्पष्ट लिखी होती है, तभी हम उसकी मदद कर सकते हैं। मानवाधिकार इसी बात के लिए तैयार रहता है। थैंक यू। अभी जहां तक मुझको ज्ञात है, आपके भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन 17 राज्यों में कार्यरत है और लगभग 2,00,000 उसके स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं और मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग पदाधिकारी जो भी हैं। अभी आपने जैसा जिक्र किया कि जो भी इससे अफेक्टेड है उसको मानवाधिकार में आना होता है और उसके बाद आप उसकी बात समझते हैं, उससे एप्लीकेशन लेते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं जो भी न्यायोचित होता है। ये 2,00,000 वॉलंटियर्स का जिम्मेदारी आयद नहीं होती है कि वो अपने अपने एरियाज में जा कर करके किन के खिलाफ क्या बातें हो रही हैं, जो अन्याय है, जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, उसको जागरूक करें और उसको कोप करें? बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको पहले ही बताया, मानवाधिकार का मतलब केवल लखनऊ नहीं है, मानवाधिकार हमारा पूरा कंट्री है। हमारी हर जिला इकाइयां, प्रांतीय इकाइयां इस पर कार्य कर रही हैं। हमारे कहने के तात्पर्य केवल एप्लीकेशन लेवल केवल लखनऊ में नहीं है, जहां पर हमारी इकाइयां काम कर रही हैं, चाहे जिला स्तर की हो, प्रदेश स्तर की हो और या इंडिया लेवल की दिल्ली में है, वहां जहां पर जिस यूनिट का जैसा कार्य होता है, वहां के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय रहते हैं। उन सबका उत्तरदायित्व है, सबकी जिम्मेदारी है कि वो ये कार्य करें और उसी आधार पर वो कार्य करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारा मतलब केवल इसी यूनिट से नहीं है, हर जगह ये कार्य हमारा जारी है। हमारा भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन पूरे इंडिया में, इवन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, हर जगह पर ये कार्यरत है, जहां पर इसी आधार पर कार्य किया जाता है कि किसी को कोई प्रकार की प्रॉब्लम न हो, भारत संविधान के अनुसार उसको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा सके, उसके न्याय अधिकारों का संरक्षण किया जा सके, इसके लिए भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन कटिबद्ध है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने विचार रखे। हम उम्मीद करते हैं कि मानवाधिकार एसोसिएशन अपने उच्चतम शिखर पे जाएगी और उससे हमारे समाज के गरीब और लाचार, दबे कुचले तबके जिनको न्याय नहीं मिलता है, उनको न्याय मिलेगा। थैंक यू। हमारे साथ मानवाधिकार परिवार के वरिष्ठ सदस्य बीएम शुक्ला जी मौजूद हैं और अस्वस्थ होने के बावजूद अधिवेशन के लिए अपना पूरा समय यहाँ पर दे रहे हैं। इनको चलने में बड़ी तकलीफ है और स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं है, फिर भी इनका जो है मानव अधिकार के प्रति डिवोशन है और उस डिवोशन के चलते आज यहाँ पर मौजूद हैं। शुक्ला जी, आप बताएं कि ये जो अधिवेशन हो रहा है, आप विगत कई सालों से अधिवेशन में आप साथ में हैं और अधिवेशन को पूर्ण रूप से करवाते हैं,
पिछली बार तो जो अधिवेशन हुआ और अब जो अधिवेशन हो रहा उसमें क्या फर्क देखते हैं? कितने लोग अनुमानित आने की उम्मीद है कि कितने लोग आपके अधिवेशन के अंदर आएंगे? हमारा मानवाधिकार अधिवेशन जो होता है वो प्रत्येक वर्ष उसमें कोई नई चीज़ अवश्य हुआ करती है। जैसे विगत वर्षों में ये था कि हम अपने जिला अध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को और सम्मानित व्यक्तियों को सम्मानित करते थे, उनका भाषण करवाते थे, मानवाधिकार के बारे में उनको उनका परिचय करवाते थे। विगत वर्षों के बाद अब की वर्ष एक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जिसमें हम एक कार्यशाला का भी आयोजन करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि मनुष्य के अधिकार क्या हैं और उसके कर्तव्य क्या हैं। प्रथम स्थिति में कर्तव्य आते हैं, उसके बाद अधिकार आता है। और इसके लिए हमने सुदूर गांव के लोगों को भी बुलाया है और अपने मानवाधिकार परिवार के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, इन सबको आमंत्रित किया है ताकि गाँव के लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। दूसरी बात, हमारा जो सम्मान हम देते हैं उससे हमारे सदस्यों का मनोबल बढ़ता है और हमारे सदस्य एक पूरे साल पूरे मेहनत से अपना काम करते हैं और दलित, कुचलित और व्यथित लोगों की यथा सामर्थ्य मदद करते हैं। जो हमारे पास आ जाते हैं हम लोग उनकी मिलकर के मदद करते हैं। अब रही बात वहाँ संख्या की, तो पर साल भी करीब 1000 आदमी उस हाल में था, जो कि 1000 ही कुर्सियां उसमें हैं और काफ़ी आदमी बाहर भी खड़ा था। हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार उससे बढ़ कर के ही उसमें संख्या आएगी, लोग एकत्रित होंगे, क्योंकि जागरूकता अभियान जो हम लोगों ने गांव में चलाया था मानवाधिकार के प्रति, उससे भी प्रेरित होकर के काफ़ी लोग इसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेंगे, ऐसा हमको आश्वासन है। और पिछली बार से हट करके ही हमारा ये कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आप जल्दी से स्वास्थ्य लाभ लें और स्वस्थ हों ताकि प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाएं। धन्यवाद। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि मानव अधिकार एसोसिएशन में हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ देव मुखर्जी जी हैं। अभी तक जो हिंदुस्तान में इस वक्त जो फिजा चल रही है वो बांटने की फिजा चल रही है, मगर ये संस्था ऐसा है कि जो सबको जोड़ने की पहल कर रहा है और उसमें भरपूर योगदान भी दे रहा है। मानवाधिकार एसोसिएशन के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि कौन मुस्लिम धर्म से है, कौन हिंदू धर्म से है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, और यहाँ पर हर धर्म के हर प्रांत के लोग मौजूद हैं। मानवाधिकार परिवार, मानवाधिकार एसोसिएशन के 400 ऑफिसर्स जो कि पूरे भारतवर्ष में कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से मानवों की सेवाएं की जा रही हैं, उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारे पास वेस्ट बंगाल के मूलतः रहने वाले और लखनऊ में काफ़ी समय से रह रहे हैं देव मुखर्जी जी मेरे साथ हैं। आप बताएं इस एसोसिएशन में आप कैसे जुड़े और इस एसोसिएशन में जो अभी अधिवेशन होने जा रहा है जो लखनऊ के अंदर हो रही है, जो लखनऊ की सरजमी को गंगा जमनी तहजीब की तरफ माना जाता है, उसको आप कैसे देखते हैं? नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि आगामी 10 दिसंबर 2019 को एक राष्ट्रीय प्रोग्राम होने जा रहा है, वो मानवाधिकार परिवार का है। मानवाधिकार परिवार न किसी धर्म न जाति के है, ये संपूर्ण भारत की एक संस्था है जो सबके लिए करते हैं। इस परिवार में कोई भेदभाव नहीं और इनका मेन उद्देश्य है कि सर्वधर्म सम्मेलन की है और सबकी स्वागत है, सबकी सेवा के लिए बनी हुई है। इसमें हमारे लखनऊ के माननीय श्री गिरीश कुमार अवस्थी जी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, आपके मार्गदर्शन पे हम चलते हैं और आपने सदा यही प्रयत्न किए हैं कि सब मिलजुल के रहे और राष्ट्रनीति में अपना सहयोग करें। आगामी 10 दिसंबर 2019 को जो प्रोग्राम होने हैं इसका मूल उद्देश्य है, ये केवल हमारे भारत में नहीं संपूर्ण विश्व के अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो इसमें हम इस प्रोग्राम की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आप सबसे यही निवेदन है, मेरा करवत
प्रार्थना है कि कृपया आप इसको बना के रखें और भारत उन्नति में अपना अपूर्ण सहयोग करें। धन्यवाद। दादा, हम ये चाहेंगे कि आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो हमारे जो बंगाली भाई को है, अगर वो आप अपने बंगाली में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा और उनके समझने के लिए भी अच्छा होगा। मानवाधिकार परिवार जो है, इसके बारे में आप लोग पूछना चाह रहे, धन्यवाद आपको। मानवाधिकार परिवार हमारे देशेर एक बिराट बड़ो नेटवर्क। আমরা চাই যে সম্পূর্ণ দেশের সমস্ত লোক এতে মিলেমিলে কাজ করেন। এখানে সাতটা প্রদেশ প্রভিন্স এতে রয়েছে অ্যাক্টিভ, সেই জন্য আমরা চাই যে আপনারা এতে সহযোগিতা করুন আর সুস্থ মনে সুস্থ শরীরে সুস্থ ধর্ম দিয়ে আর্থিক করে দেশকে উন্নত করুন, আমার মানবাধিকার পরিবারকে হেল্প করুন। এই হেল্প আমার নিজের জন্য না, আপনার ব্যক্তিগত নয়, কারো পরিবার না, সম্পূর্ণ দেশের, সম্পূর্ণ ভারতে। থ্যাংক ইউ দাদা। ক্যান ইউ গিভ আ মেসেজ অ্যাবাউট 10 ডিসেম্বর প্রোগ্রাম উইচ ইজ হেল্ড এট গান্ধী ভবন কেসরবাগ লখনৌ? আই হার্টলি কনগ্রেচুলেট টু মানবাধিকার ফ্যামিলি পরিবার টু মেড বাই ইন্টারন্যাশনাল। আই অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যান্ড আই রিকোয়েস্টিং টু এভরিবডি, প্লিজ you cooperate me us and each and everybody of our Indian. Thank you.